सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स माय वगैल। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो लेके, और आज हम फिर से जा रहे हैं अमरकंटक। बट इस बार मैं एनसीसी के लोगों के साथ जा रही हूँ, मतलब एनसीसी कैडेट्स के साथ जा रही हूँ। तो हम सब जाएंगे, सीनियर जूनियर और सर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता कैसे। और मैं अभी रेडी हो गई, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट मुझे अभी बैरेट लगानी है, और बैरेट में भी अच्छे से लगानी चाहिए क्योंकि फिर मेरे हेयर ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी बैरेट मेरे दोस्त लगा देंगे। और मुझे एनसीसी का जैकेट पहनना है, क्योंकि कपड़ पहनना है क्योंकि अभी ठंडी है, तो ये पहनना ज़रूरी है। तो लेट्स गो, देखते हैं आज क्या क्या होता है और फिर मजा आएगा। अभी सभी कैडेट साइन कर रहे हैं और कुछ कैडेट आ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ गए थे वहाँ कोई नहीं आया था, तो अभी हम सब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में आज बना इडली, तो हम लोग इडली खा के अब सीधे बस में जाएंगे बैठने। और हम लोग सब कोई आ चुके हैं, और यहाँ SDSW सब कोई आके बैठ चुके हैं, और हम सब अब मस्ती कर रहे हैं। तो हमें जहाँ जाना था, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ बहुत सारी गौ माता दिख रही हैं। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं अमरकंटक, वहाँ एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज एनसीसी डे है। तो आज सब लोग नीचे, अभी तो सब लोग नीचे उतर रहे हैं, और देखो क्या है, कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को लास्ट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखो क्या होगा अभी। और यहाँ सबको फॉलिंग कराया जा रहा है, देखो मुंडन भी हो रहा है बच्चों का छोटे छोटे। तो यहाँ सबका फॉल इन हो गया है, और ये है एनसीसी डे। हम लोग स्वच्छ भारत, क्योंकि आज एनसीसी डे है तो स्वच्छ भारत अभियान आए हैं, तो नर्मदा नदी को हम लोग साफ करेंगे। तो चलो देखते हैं। बुरा हाल, क्या करें भैया, एनसीसी वाले आए भैया कचरा निकल। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो काम चाहे कुछ भी हो, हम लोग अच्छे से करते हैं। एनसीसी के बच्चे हम लोग बहुत अच्छे कैडेट्स हैं। तो देखो यहाँ सब कोई साफ़ सफाई कर रहे हैं, और अभी मैं पकड़ी थी बैनर, अब मुझे भी साफ़ करने का मन कर रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ किसी और को बैनर पकड़ा के। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल लूँगी, ये मैं निकल भी ली किसी को बैनर पकड़ा के। अब मैं जाऊँगी, मैं भी थोड़े बहुत साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मैं भी कैडेट हूँ एक। तो मैं जैसे ही पानी के पास गई और साफ़ सफाई करने, तो साइड से ये सूबेदार सर आए, बोलते वहाँ से गिर जाएगी, तो बाहर इधर चल। तो अभी मैं हैंड वॉश की, और ये पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। तो आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। तो जाते जाते अभी हम लोग नारा लगाएंगे कि हम सब ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। तो और उसके बाद हमें फिर फॉल इन होना है, तो चलो चलते हैं। Yes. एंड फाइनली यहाँ से हमें छुट्टी मिली, और हम लोग जा रहे हैं, और सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये है एक सामने शिव जी की मूर्ति, जो कि हमारे कंटक में बहुत बड़ी है। तो यहाँ अब रिफ्रेशमेंट मिल रहा है सबको, बहुत ज़्यादा यहाँ लोग थके हुए देख सकते हो आप लोग, तो इन लोग को भूख भी लगाई, तो अब सबकी रिफ्रेशमेंट है, अब सब खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। पता नहीं मेरे को कब मिलेगा।
तो यहाँ सब तो खाना स्टार्ट कर दे, जो कचड़ा है उसको इकट्ठा करने के लिए एक कैडेट की ड्यूटी लगी है, क्योंकि हमने अभी स्वच्छता अभियान का प्रचार करके आए हैं और हमारे अंदर ये रहता भी है कि हम बाहर कचड़ा नहीं फेंकते हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारे अंदर है। तो हम सब एक उसमें डाल रहे हैं और इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो हम लोग अभी रिफ्रेशमेंट खाने के बाद चल दिए हैं जैन मंदिर। जैन मंदिर बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है, तो यहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे और थोड़ा घूमेंगे और हम इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे। और यहाँ हमने एक ग्रुप फ़ोटो ली है और इसके बाद जा रहे हैं सबको अंदर, और यहाँ सब अपना अपना स्टार्ट कर दिए हैं फ़ोटो खींचना सब। और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अभी, और हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं जैन मंदिर के अंदर। और ये मेरे प्यारे क्यूट क्यूट से जूनियर्स हैं। और वहाँ से छुट्टी होके हम यूनिवर्सिटी भी पहुँच चुके हैं और यहाँ भी फॉल इन होंगे और उसके बाद अपने अपने हॉस्टल में जाएंगे। बाय।